दोस्तों मैं हूँ इस वक्त चांदनी चौक में, और एक चांदनी चौक में एक मॉल ओपन हुआ है हाल ही में, ओमैक्स मॉल। तो मैं वो आज आपको दिखाने वाला हूँ। तो वो मॉल कम महल ज़्यादा लगता है और काफ़ी ब्यूटीफुल मॉल है। तो अगर आप भी चांदनी चौक कभी आएँ तो इस मॉल में घूमना नहीं भूलें। काफ़ी अच्छा मॉल होने वाला है, काफ़ी अच्छी शॉपिंग कंपनीज है, काफ़ी सारी चीज़ें इस मॉल में आपको देखने की मिलेंगी। तो चल के मैं आज आपको एक्सप्लोर कराता हूँ, पूरा मॉल दिखाता हूँ। तो चलते हैं फटाफट से, और सारी जानकारी भी आपको देने वाला हूँ कैसे पहुँचे यहाँ तक। तो वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों ये है ओमैक्स मॉल जो कि आप देख रहे हो। तो चलते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं अंदर से। तो कुछ इस तरीके का है ये दोस्तों मॉल, और जब एंटर करोगे तो आपको ऐसी गाड़ी दिखेगी। तो ये है बेसमेंट में पार्किंग का रास्ता, जो कि गाड़ी पार्क करके आते हो तो इधर से आने के लिए रास्ता है। तो काफ़ी अच्छा डेकोरेशन किया गया है यहाँ पे, काफ़ी खूबसूरत मॉल लग रहा है ये। तो यहाँ से होगी एंट्री। तो चलते हैं अंदर की तरफ और दिखाते हैं आपको अंदर। तो दोस्तों फाइनली अंदर आ गया हूँ, और अब मैं आपको दिखाता हूँ अंदर का व्यू, काफी अच्छा व्यू है। तो चलते हैं सबसे पहले ऊपर और आपको ऊपर का नजारा कर दिखाता हूँ पूरा मॉल। तो दोस्तों जो आप सामने देख रहे हो, और ये है लिफ्ट। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर किस तरीके से लिफ्ट को डिजाइन किया गया है, तो काफ़ी अच्छी लग रही है ये लिफ्ट। तो यहाँ पर देख सकते हैं, और लिफ्ट ओपन भी हो चुकी है, और एक सामने है इधर की तरफ। तो लिफ्ट भी काफ़ी अच्छी तरीके से डिज़ाइन की गई है। तो दोस्तों ये है लिफ्ट, और ये लिफ्ट दोनों तरफ खुलती है, एक दरवाज़ा इधर है और एक दरवाज़ा इधर है। तो हम चलते हैं बाहर, और ये हम आ गए हैं सेकेंड फ्लोर पर। तो भाई नज़ारा देख सकते हो आप, तो चलते हैं आगे की तरफ। तो इधर है नील नगर, तो मैं नील नगर भी आपको चल के दिखाता हूँ, और नील नगर में भी काफ़ी सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं दावतपुर फूड कोर्ट, तो ये है नील नगर, इस साइड की तरफ चलते हैं। तो भाई नज़ारा आप देख सकते हो किस तरीके का डेकोरेट किया गया है, देख सकते हो यहाँ पर, और काफ़ी ब्यूटीफुल नज़ारा है यहाँ का। तो ये रेस्टोरेंट है इसमें खाने वगैरह के लिए, और ये बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट है दावतपुर, जो कि आप देख सकते हैं फूड कोर्ट। तो ये है दोस्तों दावतपुर रेस्टोरेंट जो कि आप देख रहे हो। तो काफी अच्छा डेकोरेट किया गया है यहाँ पर, दावतपुर रेस्टोरेंट आप देख सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर चार कैटेगरियों में बांट दिया गया है। तो ये है पन्नापुरी, जो कि पन्नापुरी में आपको बिरयानी वगैरह सारा कुछ मिलेगा। ये है कुलचा वगैरह, सेम डे इनका भी है। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, काफ़ी ब्यूटीफुल मॉल है और काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे। ये का दिखने वाला है ये आपको पन्नापुरी, लाइटिंग बड़ा मस्त मस्त लाइट लगाई हुई है यहाँ पर, झूमर वगैरह काफ़ी कलरफुल झूमर है। ये इधर भी झूमर मिलेगा आपको देखने के लिए, इधर ब्लू कलर के झूमर लगे हुए हैं और इधर ग्रीन कलर के लगे हुए हैं। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर। तो आप जब भी आए तो यहाँ घूमना ना भूले, चांदनी चौक। तो ये है सुनहरी नगरी, और इसमें आपको कैफे वगैरह ये मिलेगा, तो ये देख सकते हैं यहाँ पर। तो मैं आपको चल के दिखाता हूँ सुनहरी नगरी। सुनहरी नगरी, ये देख सकते हैं सुनहरी नगरी का नज़ारा, और ये है लवली चुस्की। तो काफी अच्छा नज़ारा है यहाँ पर। तो
दोस्तों ये है लालबाग, और लालबाग में आपको यहाँ पर देख सकते हैं बस्का है, पिज्जा है, काफी सारी चीजें KFC वगैरह मिलने वाली है, और कुरैसी कबाब भी है यहाँ पे। तो चल के दिखाता हूँ मैं आपको लालबाग। तो ये है दोस्तों लालबाग जो कि आप देख रहे हो, इसमें रेड लाइट लगी हुई है। यह है KFC सामने, और कुरैसी कबाब जो कि चांदनी चौक के फेमस कबाब है, तो वो भी आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो काफी सारी चीजें जो चांदनी चौक की फेमस है वो आपको यहाँ पे मिलने वाली है। तो इधर देख सकते हो काफी प्यारा नजारा है, यहाँ पे झूमर लगा हुआ है, तो ये मॉल कम नहीं ज्यादा लगता है। और यहाँ पर देख सकते हो काफी अच्छा खूबसूरत नजारा है ये। चांदनी चौक का मशहूर ओमैक्स मॉल जो कि हाल ही में ओपन हुआ है, तो काफी सुंदर और काफी प्यारा मॉल है, और काफी अच्छा लग रहा है जो कि मैंने आपको ब्लॉग में दिखाया है। तो आप चांदनी चौक कभी आए तो जरूर इस मॉल में घूमें और एंजॉय करें, तो काफी अच्छी जगह है आपको देखने में मिलेगी। और अगर आने की बात करें तो आपको नजदीक चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन के पास में है ये ओमैक्स मॉल, स्टेशन में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पर चेक कर सकते हैं और घूम सकते हैं पूरा ओमैक्स मॉल। तो आई होप वीडियो जरूर पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।